मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन करते हैं कि भारत की ये 125 करोड़ से अधिक जनता जो आपको बोझ लग रही है, कीड़े मकोड़े लग रहे हैं, आप इनको नोटबंदी की तरह एक बार फिर लाइन में लगवाइए और सिरिंज लगा करके डायरेक्ट इनका खून चूस लीजिए, ताकि इसमें से 90% खत्म हो जाए और भारी जनसंख्या का बोझ भी आपके माथे से टल जाए, ना कोई सवाल पूछने वाला ना बचे, न रहे बांस न बजे बांसुरी। सारे जालिमाना टैक्सेस आप लगाते चले गए, बैंक में अपना रुपया डालो तो पैसा दो, निकालो तो पैसा दो, और घर में रखो तो जुर्म है, किसी हाल में जीने दें साहब। वो एक नेशन एक टैक्स, उसके बाद भी दुनिया भर का टैक्स, फिर GST भी 28%। अब आप नया शाही फरमान आपका आ गया है कि तेल जो है, खाने का सरसों का तेल या कोई भी खाने का तेल, कृषि प्रधान देश के लोग जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, वो अब कंपनियों से खरीदेंगे, खुद अपना तेल भी ना तो बेच सकते हैं ना निकाल सकते हैं। इस तरह के कानून बनाने से अच्छा है इन सब लोगों को एक लाल लाइन में खड़ा करके इनका काम तमाम कर दीजिए, झंझट खत्म हो जाए। क्योंकि लोग तो आपको 125 करोड़ लोगों में 37% लोग आपको भगवान मान चुके हैं, तो आप भगवान हैं तो आपको मार देने का भी अधिकार है। यानी अब भारत के लोग अपनी उपज का तिलहन पेर करके खुद उसका तेल ना तो बेच सकते हैं ना खरीद सकते हैं। महाराज, आपको पता है इस देश में गरीबों की ये बड़ी तादाद जो 80 करोड़ के आसपास है, 500-400 रुपये कमाती है, वो बंदा निकलता है अपने काम के बाद से 20 रुपये की तरकारी खरीदेगा, 20 रुपये का आटा खरीदेगा, 25 रुपये का चावल खरीदेगा, 50 रुपये की दाल लेके जाएगा और 20-25 रुपये का तेल खरीद लेता है एक छोटे से शीशी में या डिबिया में। उससे उसके दो वक्त का खाना चलता है, एक छौंका लगा करके गुजारा कर लेता है। वो अधिकार भी अब आपने पूंजीपति अपने जो आपके आका लोग बैठे हुए हैं, अडानी अंबानी दो नाम तो मशहूर हैं और भी 8-10 लोग हैं, इनके हाथों सौंप देना सौंप दिया आपने कि ब्रांडेड कंपनियों के ही तेल खरीद सकते हैं आप, वरना जुर्माना लगेगा भारी, जेल जाना होगा। ऐसा तो तानाशाह भी नहीं करते जो डिक्लेयर तानाशाह हैं, ऐसा तो रजवाड़े में भी नहीं होता था, फौजी शासन में भी नहीं होता था। तो महाराज, लाइन में खड़ा करके सबके सिरिंज से खून निकाल लीजिए। इस तरीके से तिल तिल करके मारने से अच्छा है, क्योंकि लोग तो भगवान मान चुके हैं आपको, मुसलमानों की दुश्मनी में लोग आपको भगवान मान चुके हैं। आप भगवान साहब, आप अगर इस तरह मारे तो तड़पा तड़पा के क्यों मार रहे हैं? ये आपकी प्रजा है, आपकी रियाया है, जनता नहीं है ये। इसे जैसे चाहे आप हलाल करें या हराम करें या छपका मारें, जो कह चाहे करें, तो ये काम कर डालिए आप, एक ही बार में खून निकाल लीजिए सारा। तेल भी नहीं हम बेच सकते अपना, खरीद सकते, हमको 100 ग्राम तेल की जरूरत है, हम कंपनी का ब्रांड लेंगे पूरा पाउच और उसके रेट पर लेंगे, रुपया देंगे एक एक किलो का, मिलेगा 900 ग्राम हमको। गरीब माँ के बेटे हैं आप, गुर्बत से निकल के आए हैं, झाड़ू लगा के चाय बना के बड़े हुए हैं, ऐसा तो कोई जानवर भी नहीं करता अपनी जिंस के लोगों के साथ जो आप कर रहे हैं। कुत्ते कुत्ते के साथ ऐसा नहीं करते, भेड़िया भेड़िया के साथ ऐसा नहीं करते, शेर शेर के साथ ऐसा नहीं करते, फिर आप ऐसा क्यों मानव होकर के मानव के साथ ऐसा कर रहे हैं? आपके उद्योगपतियों और पूंजीपतियों की हवस कितने में पूरी होगी? कितना माल बटोरा, पूरा देश के खजाना लुटवा दिया उन लोगों के हाथों जो अंग्रेज 200 साल में नहीं लूट पाए, भिखारी बना दिया पूरे मुल्क को, रिजर्व बैंक खाली हो चुका, सब कुछ तो ले लिया आपने। अब यह भी नहीं कह सकते कि मुंह का निवाला मत छीनिए, वो भी छीन चुके हैं, खून बचा है थोड़ा बहुत रगों में जो दौड़ रहा है उसी को निकाल लीजिए साहब। यही निवेदन आपसे, खून निकलवा दीजिए हम सब लोगों का, इस जीवन से छुटकारा मिल जाए। इस देश के हर गरीब मजदूर किसान का यही आवाज है, यही दर्द है, इसको भी हिंदू मुस्लिम के रंग में मत डालिए आप। धन्यवाद।